तकरीबन 3.5 महीने के बाद देश में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में नेता अपने अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन 2019 के लिए क्या बीजेपी का एजेंडा राम मंदिर मस्जिद यही रहने वाला है? इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आपका। जब भी कोई इलेक्शन नजदीक आता है, उसके ठीक पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। आजकल मैं देख रहा हूँ, 3-4 साल से नए एजेंडा सेट करने का काम जिन लोगों ने की है वो अब गोत्र तक चले आए। कभी हर स्टेट के हर चुनाव में उन्होंने अलग ढंग से, कहीं जाति का एजेंडा से कांग्रेस ने सेट किया, कहीं कर्नाटक के चुनाव में हिंदुओं को बांटने का काम किया, कहीं गोत्र तक आ गए, कहीं त्रिपुंड लगाए, कहीं जनेऊ पहने। मतलब इस चीज पर बीजेपी अपना एकाधिकार समझती थी क्या? नहीं, एकाधिकार का सवाल नहीं है, आरोप आपने लगाया, इसलिए मैं उदाहरण आपके सामने रखा कि करे कोई और अब जस हमारे ऊपर लगे। अगर मुसलमान जातीय सेकुलर सम्मेलन करे, वो हो गया सेकुलर, मायावती अखिलेश मुसलमानों के गठजोड़ की बात करें वो हो गए सेकुलर, अगर मैं हिंदुओं की बात करूं तो मैं हो गया कॉम्युनल। ऐसा तो नहीं है राहुल गांधी के गोत्र बताने से, उनके जनेऊ पहनने से आप लोगों को दिक्कत है? मतलब आप लोगों को लग रहा है कि आपका वोट बैंक खिसक जाएगा, इस वजह से अब टारगेट पर राहुल गांधी और उनका गोत्र आ गया है? नहीं, बिल्कुल आप नहीं। भी तो लगाते हैं शांडिल्य, आपने अपने नाम की शुरुआत नहीं, में लगा लिया है। मेरे लगाने का दूसरा अर्थ है, मुझे किसी से पहचान की जरूरत नहीं है, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और जो लोग आज लगा लगा करके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, जनेऊधारी शिवधारी, उनके प्रवक्ताओं ने कहा, खुद कहा कि मेरा कौन ब्राह्मण है, कौल ब्राह्मण है, दत्तात्रेय है। अगर मेरे पिताजी मुस्लिम होते तो मेरा गोत्र और मेरा संबंध, मेरा धर्म मुसलमान से होता। नहीं, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आप मैं राहुल गांधी के गोत्र को लेकर सवाल खड़े कर रहे राहुल हैं। गांधी के गोत्र लेकर के दुनिया सवाल आप कर रहा क्या हूं। उनको हिंदू नहीं मानते हैं? क्या आप हम उनको ब्राह्मण नहीं मानते हाँ हैं? भाई, भारत की संस्कृति में लोग क्यों माने, भारत की संस्कृति में आज वो कबूल करें बड़ी अच्छी बात है, पूरा कहें कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, मैं हिंदू धर्म स्वीकार लिया है, स्वागत है, मुझे खुशी होगी। कोई व्यक्ति तो आया जो बचपन में लोग कहते हैं कि माताजी उनको दोनों भाई बहन को वेटिकन सिटी के पोप आए थे उनसे संस्कारित किया था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और उस लफड़ा में जाना भी नहीं नहीं, चाहता तो हूं। फिर आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? मतलब आप फिरोज गांधी से जोड़कर राहुल गांधी के गोत्र पर सवाल खड़े कर रहे अच्छा तो हैं। क्या कहूं कि उन किन के पोता है? मैं कहूं कि मेरे पिताजी का तो नाम, वो अगर अपने अरे भाई, परनाना से अरे या भाई, नाना से अपने आप उनका को रिलेट कर उनका रहे हैं, तो आपको क्या अरे दिक्कत है? यही तो मैं भार समझना चाह अरे रही भाई, हूं। जब भी होगा तो उनके पिताजी से होगा, उनके दादाजी से होगा, भारत की संस्कृति तो यही है। आप संस्कृति को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर मतलब दे। आप नहीं मानते हैं कि राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र के हैं और वो और किस ब्राह्मण गोत्र हैं? के हैं वो, जो गोत्र लगा ले। मुझे लग रहा है कि बीजेपी डरी हुई है। राहुल गांधी जिस तरह से एग्रेसिव हैं, वो तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, हिंदू वोट बैंक को भी अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2019 में बीजेपी को अपनी सीटें खिसकती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसी वजह से आप लोग सीधे राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। अगर धर्म के आधार पर राजनीति होती है, कांग्रेस ने जिस मुद्दे को लाया है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो सीधी है, प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास। आपको क्यों लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना की औलाद हैं? भाषा वही है। आज देश की स्थिति क्या है, योगी जी तो ही योगी जी ने भी कहा ना कि निजाम की तरह वो उनको भी भगा देंगे हैदराबाद से, देखिए, तो जो उन्होंने पलटवार किया। देखिए, शब्दों की लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई है मानसिकता की लड़ाई। देश का बंटवारा 1947 में किस आधार पे हुआ, मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया जानता है, इतिहास गवाह है, हमने नहीं बंटवारा किया, उन्होंने भारत को टुकड़े किया और धर्म के आधार पर जिन्ना ले गए, और जो लोग रह गए हमने गले से लगाया। लेकिन क्या हो रहा है भारत फिर में? भगाने की बात कर रहे हैं नहीं, आप हो लोग, क्या रहा भगाने अभी की? तो भगाने अरे की भाई, बात हो रही है ना। हो क्या रहा है,
हो क्या रहा है? हो यही रहा है पाकिस्तान में जो हजारों मंदिरें टूट गई, किसी की जुबान नहीं खुली। वहां 22% हिंदू थे, आज 1% से नीचा है, किसी की जुबान नहीं खुलती। बांग्लादेश में मंदिरें टूट रही है, सभ्यता और संस्कृति, जो लोग हिंदू समाज के हैं वो टूट रहे हैं, भाग रहे हैं, डर रहे हैं। वहां की घटना है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। भारत ने हमने गले से लगाया, गले से लगा करके और प्यार से रखा, लेकिन इसका बिल क्या रहा है? अगर भारत के अंदर राम की मंदिर नहीं बनेगी तो भारत के अंदर सम्मान आप जबरदस्ती कैसे पैदा करेंगे किसी के मन में? सम्मान जबरदस्ती कैसे पैदा करेंगे किसी के मन में? अगर आप उनको लेकर सवाल खड़े करेंगे, उनको देश से भगाने की बात करेंगे, तो आपका सम्मान कैसे वो लोग करेंगे? देश से भगाने की बात, अगर आप मेरे घर में आकर के, ये दुनिया जानता है कि धर्म के आधार पर हुआ, और धर्म के आधार पर हुआ ये तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि भाई जो लोग रहेंगे वो मेरे होंगे, तो आपका क्या फर्ज बनता है मेरे देवी देवताओं को गाली दें, मुझे मंदिर ना बनाने दें? जो बीजेपी 2 सीटों से 282 पर आ गई, राम मंदिर को लेकर 4.5 साल बीत चुके हैं, वो बीजेपी क्या कर रही है? ठीक है, कोर्ट का जो निर्णय देना होगा कोर्ट अपना निर्णय देगा, जो सरकार को करनी होगी अब करेगी। भारत के हिंदुओं को राम के पुरुषार्थ की तरह अपने पुरुषार्थ के साथ मंदिर निर्माण के लिए जगा रहना होगा। जगे रहने से क्या मतलब है? आम नागरिक क्या करेगा? सरकार जिसके पास ताकत है वो तो कुछ कर करेगा, रही। वो पूरा फायदा ले रही है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी जगा रहे, फायदा नुकसान अपने जगह पर, मंदिर फायदा आप लोगों को तो पूरा मिला है ना? फायदा नुकसान राजी आप लोगों को पूरा फायदा मिला, फायदा नुकसान राजनीति में होगा। राम मंदिर के लिए फायदा नुकसान, अरे आपके घोषणा पत्र से पहले नंबर से वो आखिरी पर आ गए, अभी आप कह रहे हैं फायदा नुकसान बीजेपी ने देश में। इसीलिए मैं कहता हूं देश के हिंदुओं का सब्र की परीक्षा ना ली जाए। सब्र की परीक्षा तो आपकी सरकार ले रही है ना, जिस सरकार में केंद्रीय मंत्री सरकार है। मालूम है कितने साल से कोर्ट में है केस? तो फिर बीजेपी को ये लिखना चाहिए ना अपने घोषणा पत्र में कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश आ जाएगा, बीजेपी राम मंदिर बनवा देगी। बीजेपी का रोल फिर कहां रह जाता है ऐसे में? फिर सरकार की बात छोड़ दें, मैं जो कह रहा हूं, आपने मुझसे पूछा सब्र, अरे मोहन भागवत जी ने कहा है कि कानून बनाकर लाना हो तो बनाए, लेकिन राम मंदिर बनाए आप लोग हैं कुछ मैं आपसे कह रहा हूं अगर हम अपने पुरुषार्थ की बात करें, भारत का हिंदू प्रभु श्री राम की मंदिर अयोध्या में नहीं बनाएगा तो क्या मक्का मदीना में बनाएगा? मामला कोर्ट में है, इसका दूसरा विकल्प यही हो सकता है, या तो आप अध्यादेश लाएं या फिर कानून के जरिए बनाएं। फारूक अब्दुल्ला, ये तो आप कर नहीं रहे, देखिए फारूक अब्दुल्ला पे मत जाइए। आज फारूक अब्दुल्ला गिरिराजी, फारूक अब्दुल्ला पे मत जाइए, कहीं बना लो। अरे फारूक साहब, आप जाएंगे मक्का मदीना के बदले वेटिकन सिटी में हज करने? अगर हज करने कोई वेटिकन सिटी नहीं जा सकता और वेटिकन सिटी के लोग मक्का मदीना नहीं जा सकते, तो भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के अंदर जो प्रभु श्री राम के प्रति सम्मान है वो वही अयोध्या में रहेगा जो उनके प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है। ये राम के नाम पर वोट बीजेपी कब तक हासिल करती रहेगी? वोट बैंक का सवाल ही नहीं है। कैसे सवाल नहीं है ये? बिल्कुल नहीं है। 1990 से लेकर देखिए, आप लोग राम मंदिर के लगातार वोट बटोरते गए, राम मंदिर बनाएंगे उसको लेकर आप 282 महत्वपूर्ण बहुमत हासिल कर। आपके चैनल का हो सकता है? चैनल का बिल्कुल नहीं है। आपके चैनल का एजेंडा, आपके चैनल का नहीं, आपके चैनल मानिए इस चीज को, आपके चैनल, आप लोगों ने राम मंदिर के नाम पर, आपके चैनल का एजेंडा, आपके चैनल का एजेंडा हो सकता है। आप एजेंडे को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एजेंडे को मत बहकाएं, ये हिंदू के अस्तित्व का सवाल है। वही तो मैं कह रही हूं, 2014 में भी तो यही आप लोग कह रहे थे ना। अब ये बताइए 5 साल में क्या बदला? प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण का सवाल है। 2013 में 2018 में क्या बदला? आपके मीडिया का एजेंडा हो सकता है। मीडिया का क्या एजेंडा? ये एबीपी का एजेंडा हो सकता है। राम मंदिर आपका एजेंडा है, एबीपी का एजेंडा हो सकता है। किसे राजनीति बना सकते हैं? ये है हिंदुओं के फायदा नहीं, आप लोगों के साथ धोखा करें आप लोग। आप कह रहे हैं खबरदारी, धोखा सबका सवाल ना प्रयोग करें। कभी हमने नहीं कहा 5 सालों में क्या हुआ। हमने कहा राम मंदिर बनाएंगे, उस विषय पर न आए।
मैं जो कह रहा हूँ, कह रहे हम कह, हमने आप, कहा है आप, तारीख कब बताएंगे, यही तो देश जानना चाहता है। तारीख आप, तारीख आप एजेंडा आप सेट करते हैं, एजेंडा नहीं सेट, आप लोगों को भ्रमित करते हैं, ये आपका चैनल भ्रमित करता है। अब आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप चैनल पे सवाल खड़े दुष्प्रचार करते हैं, आपके पास आप लोगों को भ्रमित करते हैं, चैनल के लोग, आपके चैनल, खास करके आपका चैनल सबसे ज्यादा लोगों को भ्रमित करता है। हम सवाल पूछ रहे हैं राम मंदिर बीजेपी कब, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, कब बनेगा, राम मंदिर 24 में 30 में 35 में 50 में कब बनेगा, भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के, अरे आप बोलिए ना कि 2019 के पहले नींव पड़ जाएगी, भारत के हिंदुओं के स्वाभिमान के साथ बनेगा, आप बोलिए ना कि 2019 के पहले नींव पड़ जाएगी। आप जैसे लोगों ने ही इसको एजेंडा बनाने की कोशिश की है, आप नहीं चाहते हैं समाज को दूषित करना चाहते हैं, खास करके आप, मैं तो चाहती हूँ राम मंदिर बने, आप कर क्या रहे हैं, राम मंदिर बनेगा, चिंता मत करें, राम मंदिर बनेगा, 100 करोड़ हिंदुओं, मतलब आपके नारे में कोई बदलाव नहीं आया है, हमारे रामलला हम हमारे जाएंगे, नारे मंदिर में भी बदलाव नहीं आए हैं, हमारे समर्पण में भी बदलाव नहीं आए हैं, न आएगा, क्योंकि हम दुकान नहीं चलाते हैं, पहले मंदिर फिर सरकार, हम दुकान नहीं चलाते हैं, पहले मंदिर फिर सरकार, हम दुकान नहीं चलाते हैं। उद्धव ठाकरे देखिए पहुंच गए, आप लोग तो अयोध्या पहुंचे भी नहीं, उद्धव ठाकरे तो टीआरपी बढ़ाने के लिए शब्द बोलते रहिए, टीआरपी बढ़ाते रहिए, देखिए उद्धव ठाकरे आप ही के सहयोगी हैं, मीडिया अब वही नारे लगा रहे हैं कि पहले मंदिर फिर सरकार। मेरा आग्रह है कि विषय पढ़ाए, विषय राम मंदिर बनेगा, मैंने कह दिया राम मंदिर बनेगा, देश के हिंदुओं के जो समर्पण है प्रभु श्री राम के प्रति, उस समर्पण कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी नहीं, अब कांग्रेस बनवाएगी राम मंदिर, ये बीजेपी के बस की बात नहीं है, ये 100 करोड़ हिंदुओं के अस्तित्व का सवाल है, 100 करोड़ हिंदुओं के अस्तित्व का सवाल, अरे उसी राम के नाम पर तो 282 सीटें हासिल कर ली, 100 करोड़ हिंदुओं के अस्तित्व का सवाल, मतलब अभी कितने पूरी की पूरी ये चाहिए क्या सरकार, लोकसभा की पूरी की पूरी चाहिए ये क्या आपको, 100 करोड़ हिंदुओं के अस्तित्व का सवाल, राजी मैं पूछ रही हूँ दिक्कत, मैं कह रहा हूँ कि ये दिक्कत यहाँ है कि मीडिया के लोग इस विषय को भरमाना चाहते हैं, कभी कांग्रेस और बीजेपी में बांटेंगे, कभी धर्म के साथ जोड़ेंगे, अरे हम तो कह रहे कांग्रेस बीजेपी एक हो जाए, मंदिर बनवा दे, अरे आप लोग जाइए कांग्रेस से कहिए कि समर्थन करे आपका, जिस दिन मीडिया छोड़ देगा उस दिन मंदिर बन जाएगा, ये सबसे बड़ा अड़चन मीडिया, आप लोग अब डरते हैं मीडिया से, मीडिया से डरते हैं, ये डर मीडिया के नियत ही खराब, नियत कहाँ खराब, मीडिया का नियत, सरकार की नियत बहुत अच्छी है जिसको जनता, मीडिया का नियत, मीडिया की नियत खराब है, 100 करोड़ जनता के अंदर जो भाव है, जो समर्पण है, मंदिर बनेगा, लेकिन कब बनेगा ये डेट आप नहीं बताएंगे, आपको डेट क्यों, और इस पूरे मामले में जमकर राजनीति करेंगे, तो बता दीजिए, नहीं मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, वादा आप लोगों का था इसलिए पूछ रही हूँ, हम तो वादा किए हैं, वादा पूरा करेंगे, ठीक है चलिए, उस वादे को पूरा करने में न जाने कितना साल लग जाता है, इस पर हमारी नजर टिकी रहेगी, लेकिन फिर मैं आती हूँ, कांग्रेस कह रही है कि राम मंदिर हम लोग बनवाएंगे, अब आपके बस की बात, राम मंदिर अगर बनवाना होता तो वो हल्फनामा में देते कांग्रेस पार्टी कि राम काल्पनिक है, ये हमने दिया है, हमने कभी कहा है क्या, है किसी कांग्रेसी में हिम्मत कि कहे कि सरकार जब उनकी थी तो उन्होंने हल्फनामा में क्यों कहा, उन्होंने कहा कि हमने ताले खुलवाए, नहीं जो मैं पूछ रहा हूं, आप विषय को फिर डाइवर्ट ना करें, उन्होंने हल्फनामे में दिया है कि राम काल्पनिक थे, तो ये काल्पनिक कहने वाले लोग राम मंदिर बनाएंगे, ये ऊपर से जनों पर, राम वन गमन को लेकर मध्य प्रदेश में उन्होंने व्यवस्था की है ना अपने घोषणा पत्र में कि उसको डेवलप करेंगे, वो ये बताएं ना कि किस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कोर्ट में क्यों हल्फनामा दिया, अगर हल्फनामा दिया तो वो हल्फनामा के लिए देश से माफी मांगे कि राम काल्पनिक थे, राम सेतु पर क्यों हल्फनामा दिया, देश से माफी मांगे, राम मंदिर निर्माण में क्या चीज बात बन रही है, जिस कांग्रेसी का दिल ना साफ हो वो हम पर आरोप लगाएगा, जो कहे कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, अब वो मंदिर बनाएगा, मंदिर निर्माण में बाधक कौन है, जो केरल में जाकर के एक तरफ कैलाश जाने की बात कहे, दूसरे तरफ केरल में जाकर के बछड़े को काट के बीफ पार्टी करे, वो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर बनाएगी, आपकी भी पार्टी, पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जिस व्यक्ति की बात कह रहा हूं, जो जनऊधारी है उनकी बात मैं कह रहा हूं, मतलब आपको लगता है कि ये काम बीजेपी ही करेगी, लेकिन वो कब करेगी, ये आप बताने को, ये काम देश के 100 करोड़ राम को मानने वाले लोग करेंगे,
उनके द्वारा हो। आप इस तरह से धमकी देकर क्या ऐसा नहीं लगता है कि कोर्ट पर आप दबाव बना रहे हैं? 100 साल से हम दबाव बनाते तो आज इतने साल तक मामला लटका रहता। हम दबाव बनाते, रात के 2 बजे कोर्ट खुलता है, हम कहाँ कुछ, एक आतंकी के लिए हम कहाँ कुछ बोलते हैं। हिंदू कभी दबाव नहीं बनाता, हिंदू की सहिष्णुता तो इतना है कि आज हम सब सह रहे हैं, हमने गाली भी सुना और भी गालियां सुन रहे हैं। गालियां कौन दे रहा है? देने वाले दे रहे हैं। हम तो सहने वाले लोगों में से। मतलब आप कोर्ट पर दबाव नहीं बना रहे हैं? हम कोर्ट पर दबाव बनाए होते थे इतना दिन रहता क्या? इतने दिनों तक जो प्रभु श्री राम के मंदिर का सवाल हो, इतने दिनों तक कोर्ट पर मैं बातें रहती क्या? हम दबाव बनाते तो। चलिए, बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह जी एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं गिरिराज सिंह, और बिल्कुल उसी अंदाज में अपनी बात को कहते हुए भी सबका साथ सबका विकास की वो बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि उनके इंटरव्यू से भी जाहिर है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी परवान चढ़ रही है। अब 2019 में मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी या कांग्रेस कितना वोट बटोर पाती है, इस पर रहेगी हमारी नजर। कैमरा पर्सन सचिन के साथ चित्रा त्रिपाठी, एबीपी न्यूज दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।